हेलो स्टूडेंट, आज हम एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये एनसीईआरटी बुक से लिया है क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इस तरह से कि एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में दो कंडीशन है कि अगर वो 10 घंटे में जो चल रही है 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और अनुकूल 44 किलोमीटर, ठीक है। इसी तरह से एक दूसरी कंडीशन है कि 13 घंटे में अगर चल टाइम ले लिया 13 घंटे का, तो धारा के प्रतिकूल कितना चल रही है 44 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर। तो हमारे पास में दो कंडीशन है। उससे पहले कि यहाँ पर देखो, हमें ना तो यहाँ पर जो हमारे पास में नाव है उसकी चाल पता कितनी है, और ना ही जो हमारे पास में जो जल या पानी जो भरा हुआ है किसी नाव तालाब के अंदर कहीं पर भी भरा हुआ आपका, तो ना तो हमें उसकी चाल पता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक चीज़ बोलिए कि अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल और प्रतिकूल में बेसिक डिफरेंस ये होता है, देखो अगर मेरा मेरे पास में जैसे कोई पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये मेरे पास पानी है, तो अनुकूल का मतलब यह है कि जैसे जिधर जिस डायरेक्शन में मेरा पानी बह रहा है, चल रहा है, ठीक है, मान लो इधर से फ्लो है, इधर से पानी बह रहा है, ठीक है। अगर नाव भी इसी फ्लो के अंदर चल रही है, आपकी जो नाव है यहाँ पर वो भी इसी डायरेक्शन में चल रही है, तो ये क्या है, धारा के अनुकूल है, यानी कि धारा की दिशा में ही, यानी कि जिधर को पानी चल रहा है उधर को मेरी नाव चल रही है, तो इसका मतलब क्या है, धारा के अनुकूल है, ठीक है। अब इस कंडीशन को मैं उल्टा करता हूँ प्रतिकूल की कंडीशन में। मान लो आपका जो जल है वो तो इसी धारा के अंदर बह रहा है, इसी दिशा के अंदर बह रहा है, बट जो आपकी नाव है वो इस बार इधर ना जाके इधर की इसकी अपोजिशन डायरेक्शन में, जल तो आपको इधर को बह रहा है पर नाव आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रतिकूल वाली कंडीशन, धारा के विपरीत दिशा में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम कुछ यहाँ पर कंस्टेंट यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो वो देखते हैं क्या 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 हम लेने वाले इस क्वेश्चन के अंदर। और अभी तक हम अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप उन वीडियो को जरूर देखें हमारी प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ना तो यहाँ पर हमें नाव की चाल पता है और ना ही जल की चाल पता है कितनी है, तो हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं अब इसका। सॉल्यूशन हम लिखेंगे, माना नाव की स्थिर जल में चाल कितनी है x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये मैंने किसकी चाल ली, नाव की, जब मेरे पास में जो स्थिर जल है वो कितना है और उसकी जो चाल है कितनी, x किलोमीटर प्रति घंटा। इसी तरह मैं लिखूँगा जो मेरे पास में जो जल है धारा की चाल, ठीक है, जो पानी बह रहा है वो किस चाल से बह रहा है, तो वो मैं मान लेता हूँ y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये मेरी दो वैल्यू बन चुकी है, नाव के लिए और धारा के लिए। अब मैं क्या करूँगा, जब वे दोनों एक दिशा में बह रही हो, नाव भी और पानी भी एक दिशा में चल रहा हो, ठीक है, तो उसको बोलता हूँ मैं अनुकूल या फिर धारा की दिशा में, ठीक है। तो तब नाव की धारा के अनुकूल चाल, यहाँ पर दोनों एक दिशा में जा रहे हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर निशान भी लगा देता हूँ इस हिसाब से आपको याद रहे कि दोनों एक ही दिशा में है, ठीक है, नाव भी पानी भी। तो इसमें क्या होगी, जब भी आपकी दोनों चीज़ें एक ही दिशा में जाती है, नाव भी और पानी भी, तब उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास नाव की चाल और धारा की चाल जुड़ जाती है, यानी कि एक्स प्लस वाई, यानी कि जो आपकी चाल होगी दोनों जुड़ गई अब किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। उसके बाद नाव की धारा के प्रतिकूल, यानी कि धारा की इस बार विपरीत दिशा में है प्रतिकूल चाल, ठीक है, यानी कि इसका मतलब है कि अगर ये किधर से आ रहा है, मान लो पानी इधर को जा रहा है, तो नाव इधर को इसकी डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर हमारी माइनस हो जाती है, ठीक है, तो एक्स माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, हमने लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास में आपने फिजिक्स के अंदर अगर आपने साइंस में पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है क्या,
चाल बराबर होता है हमारा दूरी बटे समय, ठीक है। या फिर मैं इससे समय निकाल सकता हूँ, समय कितना हो गया कि दूरी बटे चार, ठीक है। ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। हाँ, यहाँ पर हमारे पास दो केस है, ठीक है। अब मैं प्रथम कंडीशन लेता हूँ, तो केस फर्स्ट में हम क्या देखने वाले हैं कि जब आपकी जो नाव है, जब नाव 30 किलोमीटर कहाँ पर प्रतिकूल दिशा में चलती है, तब हम मानते हैं कि जो समय लग रहा हो कितना है, T1 है, ठीक है। हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि एक्चुअल में कितना समय लग रहा है, तो हम उस कंडीशन में कह लेते हैं जो समय लग रहा है T1 है, ठीक है। जब नाव 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल चलती है, माना घंटों में लिया गया समय वो कितना है मेरा T1, ठीक है। जब नाव हमारी धारा के प्रतिकूल या धारा की विपरीत दिशा में जा रही है, तो वो जो समय लग रहा है उसमें T1 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। तब मैं इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले से क्या बना सकता हूँ कि T1 समय में दूरी कितनी चल दी उसने धारा के प्रतिकूल, तो प्रतिकूल का मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे के विपरीत, यानी कि ये वाली कंडीशन, तो x माइनस यानी कि दूरी ये वाली होगी आपके ऊपर की, ठीक है। तो यानी कि दूरी कितनी चल रही है आपकी, वो 30 किलोमीटर, ठीक है। तो यानी कि दूरी ऊपर आ गई आपकी 30 किलोमीटर अपॉन में क्या है चाल, चाल कितनी है प्रतिकूल कंडीशन में, x माइनस का y, ठीक है। तो x माइनस का y हो गया, ये T1 के लिए हो गया। इसी तरह से मैं T2 को निकालता हूँ, क्या माना T2 घंटों में वह समय है जिसके जिसमें नाव कितना 44 किलोमीटर, ठीक है, 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल, ठीक है, अनुकूल जाती है, तब बिल्कुल ऐसे निकलेगा। तो T2 कितना हो जाएगा आपका, दूरी कितनी है आपकी 44, और चाल यानी कि ये धारा की दिशा के अंदर, तो x+y, ठीक है, x+y हो गया। अब हम कुल समय देखेंगे, हमारे पास में कुल समय कितना है आने में और जाने में। देखो T1 तो ये वाला समय है, T2 ये समय, अगर मैं दोनों को जोड़ दूँ तो कुल समय आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, तो कुल लगा समय यानी कि T1 + T2, ठीक है, ये हो गया आपका T1 + T2, 10 घंटों के बराबर है। अब बराबर भी मैंने क्यों कहा वो भी देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 10 घंटे लग रहे थे प्रतिकूल जी और अनुकूल, यानी कि जो दो टोटल जो स्पेंड हो रहा था आपका समय का, वो आने में और जाने में दोनों में लग रहा है। हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि किस में ज़्यादा लग रहा है और किस में कम लग रहा है, तो हमने उसको इस तरह कंडीशन लग दिया कि T1 और T2 को मैं जोड़ रहा हूँ, तो दोनों का जो समय है मिलाकर वो 10 घंटों के बराबर है, ठीक है। तब इस कंडीशन में क्या होगा कि T1 + T2 बराबर किसको हो जाएगा आपका 10 के, ठीक। और T1 की वैल्यू ये रही आपकी जो आपने निकाली है, यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए इसमें 30x - y, बीच में +T2 की वैल्यू आप यहाँ से उठाइएगा 44/x + y = 10, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर आप मान लीजिए फर्स्ट, ठीक है। अब हम लेके देखेंगे केस जो हमारी कंडीशन बन रही है, केस सेकंड, ठीक है। जैसे केस फर्स्ट लिया, अभी केस सेकंड लेके हम, तो केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड के अंदर हमारी कंडीशन क्या क्या देखते हैं, तो ये हमारा केस सेकंड बन चुका है, क्या बिल्कुल इसी तरह से निकालना है, ठीक है। हम डायरेक्ट निकाल देते हैं उस चीज़ को, यहाँ पर लिखेगा हम जो 13 घंटों में वह 40
40 ही है ना, 40 यानी कि 13 घंटों में 40 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, ठीक है, प्रतिकूल भी और अनुकूल भी, ठीक है। 40 घंटों में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब पानी की दिशा में चलती है। एक बार हम चेक करें कि हमने कंडीशन सही लगाई नहीं, कि 13 घंटे में आप 40 तो आप हो गए धारा की प्रतिकूल यानी कि अपोजिट डायरेक्शन, और 55 धारा की दिशा के अंदर, ठीक है हमारे लिए, ठीक है। तो 40 और 55 13 घंटे के अंदर स्पेंड हो रहा है हमारा, ठीक है। तो अब देखते हैं अब कंडीशन किस तरह बनेगी, बिल्कुल इसी करेंगे, T1 + T2 बराबर जाएगा किसके, 30 के। तो हम डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं कितना, कि 40 upon x - y + 55 upon x + y = किसमें हो, 13 घंटों में, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर आप दीजिए 2। अब आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर और इक्वेशन नंबर 2 को आप यहाँ पर दोनों को पहले लिख लीजिए। आपकी जो इक्वेशन 1 आई थी यानी कि 30 upon x - y और 44 upon x + y = 10, ठीक है, मैं पहले लिख लेता हूँ। तो 30 upon x - y + 44 upon x + y इक्वेशन आपकी फर्स्ट थी, ठीक है, दोनों मैंने यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है, क्योंकि वो पीछे दिख नहीं रहा था तो मैंने इसको लिख लिया। अब मैं क्या करूँगा, हाँ मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था कि यहाँ पर हम कुछ वैल्यू पुट करते हैं जब भी हमारी ये वाली कंडीशन बनती है, ठीक है, क्योंकि हम इनको क्या करेंगे, इनको बनाएंगे हम रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि माना 1 upon x - y = मैं लेता हूँ कितना p, इसी तरह 1 upon x + y = लेता हूँ q, ठीक है, सॉरी यहाँ पर आपकी उस वैल्यू = में और 10 आपका, ठीक है। तो ये मैंने आपकी वैल्यू ले ली है। अब इन वैल्यू को मैं दोनों इक्वेशन में पुट करूँगा किस तरह से, देखो 44 है, 40 इसको मैं ऐसे लिखता हूँ x माइनस का वाई, और उसको 55 1 upon x + y = 13, ठीक है, इसी तरह इसी इक्वेशन को 30 × 1 upon x - y + 44 × 1 upon x + y = 10, ठीक है, मैंने इसको इस तरह से लिख दिया है। अब मैं क्या करूँगा, इसकी जगह मैं p पुट कर दूँ और इस वाले की जगह q पुट कर दूँ, दोनों इक्वेशन में पुट करता हूँ, तो यही होगा आपका 40 p + 55 q = 13। इस तरह यहाँ देखते हैं, 30 p + 44 q = 10, ठीक है। इक्वेशन नंबर मैं इसको लेता हूँ 3rd एंड इसको 4th, बिल्कुल अब मेरे पास में क्या है, दोनों इक्वेशन जो है मेरे पास में लीनियर इक्वेशन की तरह काम कर रही है, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करते देखते हैं। अब हमारे पास में देखो तीनों मेथड है, आप चाहे उसमें प्रतिस्थापन विधि लगाओ, या फिर आप जो हमारे पास विलोपन विधि है वो लगाओ, या फिर आप वज्रगुणन भी लगा सकते हो, ठीक है। तो आपकी मर्जी है उसके अंदर कौन सा मेथड लगाने वाले हैं। हम इस मेथड के अंदर जो लगाएंगे, हम लगाएंगे जो आपका होता है वज्रगुणन विधि, ठीक है। उससे पहले हम क्या चेक करते हैं वज्रगुणन के अंदर, कि a1 upon a2 क्या है हमारा, और b1 upon b2 क्या है, और c1 upon c2 क्या है, ठीक है। तो ये हमारा है कितना, 40 upon 30, और ये आपका 55 upon 44, ये आपका -13 upon -10, क्योंकि इधर आके माइनस हो जाएगा, नहीं कि आपके पास में वैल्यू आ चुकी है। अब आप क्या करोगे, इसके अंदर इनकी वैल्यू को पुट करना है वज्रगुणन मेथड के अंदर। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, पी क्यू, ठीक है, क्योंकि इस बार एक्स वाई नहीं है आपके पास में, पी क्यू 1, ठीक है, यहाँ बी सी ए बी, फिर अगेन बी सी ए बी, फर्स्ट वाले में 1 कर दीजिए सभी को, ये सेकंड में 2, और यहाँ पर लिखिए पी, और यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखिए, और यहाँ पर इन दोनों का, इसी तरह इनका यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस का सिंबल आएगा, ठीक है। तो पहले हम करते हैं b1 × c2, ठीक है, -b2 × c1 = q / c1
ए टू माइनस सी टू इंटू ए वन, ठीक है, इक्वल टू वन अपॉन ए वन इंटू बी टू, बीच में माइनस, फिर ए टू टू बी वन, ये हमने वैल्यू रोक दिया। अब हम क्या करेंगे, ए वन बी बी वन सी वन ए टू बी टू एंड सी टू की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे, ठीक है। अब कैसे करते हैं, देखो आपकी ए वन की वैल्यू 40 है, ए टू की वैल्यू 30, इससे रहे ये भी वैल्यू हम यहाँ से उठा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते, तो पी के नीचे क्या आएगा आपका, बी वन, बी वन की वैल्यू आपके पास है 55 मल्टीप्लाई सी टू, सी टू की वैल्यू माइनस का 10, ठीक है, हमने वैल्यू पुट कर दिए माइनस। उसके बाद आपका बी टू, बी टू की आपके पास वैल्यू कितना है 44 मल्टीप्लाई बाई सी वन, सी वन की वैल्यू आपकी माइनस का 13, ठीक है। इसी तरह से क्यू अपॉन सी वन की वैल्यू आपके पास में कितनी है, सी वन माइनस का 13 मल्टीप्लाई बाई ए टू, ए टू की वैल्यू 30 माइनस सी वन, सी वन की वैल्यू आपकी कितनी है, सॉरी एक मिनट, सी वन इंटू टू, हाँ सी टू, सी टू की वैल्यू आपके पास में कितना है, सी टू 10 माइनस का 10, ठीक है, इंटू ए वन, ए वन की वैल्यू आपके पास में 40 इक्वल टू वन अपॉन ए वन की वैल्यू आपके पास में कितनी है 40 इंटू बी टू की वैल्यू आपके पास 44 माइनस ए टू की वैल्यू आपके पास 30 मल्टीप्लाई बाई बी वन, बी वन की वैल्यू आपके पास 55, ठीक है। आपने वैल्यू पुट कर दिए, एक बार हम चेक कर लेते हैं कि बी वन की वैल्यू हमारे पास में कितना है 55 और सी टू माइनस का 10 बीच में माइनस, फिर बी टू आपका 44 मल्टीप्लाई बाई सी वन की वैल्यू माइनस का 13 इक्वल टू, और सी वन की जो वैल्यू आपके पास, यहाँ पर आपने इसका मल्टीप्लाई करा पहले सी वन इंटू ए टू, तो सी वन की वैल्यू आपकी माइनस का 13 मल्टीप्लाई बाई ए टू, ए टू की वैल्यू आपके पास 10, नहीं 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 ए टू की वैल्यू आपके पास 30, ठीक है, माइनस हमारी वैल्यू सभी सही है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व किस तरह करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखोगे पी, ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है देखो 55 गुना 10, तो ये होगा 510 पर एक माइनस एक प्लस, तो यानी कि माइनस का 510 हो गया आपका 550, ठीक है, बीच में आएगा आपका माइनस और एक माइनस पहले से ही है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 44 की गुना मल्टीप्लाई करोगे किस में, 13 में, तो 13 चौका आपको होता है 52 यानी कि 52, यानी कि हमारा कैरी कितना लग गया 5, और फिर अगेन 13 चौका आपको कितना होता है 52, अब 52 और 5 आपका होगा 57, ठीक है, और माइनस माइनस आपका प्लस, ठीक है। अब इसको आगे हम देखते हैं दूसरी वाली टर्म के अंदर, तो क्यू अपॉन 13 की आपने मल्टीप्लाई करी किस में, 30 में, यानी कि 1300 और 1339 यानी कि 390 माइनस का क्यू भी, यहाँ पर माइनस पहले से ही है, अरे ये माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, और 10 धाम होगा आपके 400, ठीक है, इक्वल टू वन अपॉन, अब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे 40 इंटू 44, तो 4 का मल्टीप्लाई करें 4 में, 4 चौक 16 कैरी आपका वन, 4 चौक 16 और एक 17, ठीक है, और एक आपका जीरो चल रहा है बाद में, तो जीरो लगा दिया हमने माइनस, और 30 की मल्टीप्लाई आपने 55 में रही, ठीक है, तो 3 5 15 एक कैरी हो गया आपका, 3 5 15 एक 16 बाद में जीरो, ठीक है। तो हमारे पास में वैल्यू आ चुकी है, अब इसको सोल्व करते आगे, और ये आपका मल्टीप्लाई चेक कर लेते एक बार, हमने सही किया नहीं किया, तो 55 इंटू 10 आप करोगे तो 550, ये माइनस अरे प्लस, तो माइनस हो रहा था आपका, मिस्टेक हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पर चेक करते हैं 44 इंटू 13, तो 1352, ठीक है, आंसर को 5, 1352 और 557, ठीक है, ये सही है, 1339 होता है आपका, ठीक है, माइनस में जाएगा 390 और 10 की मल्टीप्लाई आपने करी 40 के अंदर, तो 400, ठीक है, बाकी सही मार सही है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। अब इसको आप जब इस कैलकुलेट करोगे तो 2 में से 0 गया आपका 2 और 7 में से 5 गया 2, तो यहाँ नहीं आएगा मतलब आपका, ठीक है, ये पी अपॉन 22, क्यू अपॉन 10 और 1 अपॉन 110, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लीजिए, यहाँ पर लिखो टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड, तो पी अपॉन
22 इक्वल टू 1 अपॉन ठीक है 110, या फिर पी इक्वल टू 22 अपॉन 110 ये उधर गया। अब आप डिवाइड करोगे 10 से और 11 से, ये 2 टाइम कैंसिल और ये आपका 10 टाइम कैंसिल नहीं, और ये फिर अगेन 5 टाइम कैंसिल, तो पी की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 5 ठीक है, पी की वैल्यू आ गई आपके पास में। इसी तरह टेकिंग सेकंड एंड थर्ड ठीक है, तो सेकंड क्यू अपॉन 10 इक्वल टू 1 अपॉन 110 ठीक है, तो क्यू की वैल्यू आपके पास ये 10 उधर गया आपका 110, 0 से 0 कैंसिल, तो 1 अपॉन 11, तो क्यू की आपके पास वैल्यू आएगी 1 अपॉन 11 ठीक है। अब आपने स्टार्टिंग में P और Q को कुछ वैल्यू पुट की थी, ये वाली P इक्वल टू ये था, Q इक्वल टू ये था, तो आप इस वैल्यू को उठा के इसमें रखो कि आपने क्या ले रखा था कि x माइनस वाई आपने लिया था P ठीक है, इसी तरह 1 अपॉन x प्लस वाई आपने पुट किया था Q ठीक है, तो 1 अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू P की वैल्यू आपने ली थी 1 अपॉन 5, और ये आपने 1 अपॉन x प्लस 5 इसकी क्यू की वैल्यू है 1 अपॉन 11 ठीक है। अब आप अगेन इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे आप, अगर आपकी इस कंडीशन है तो जस्ट आप उसको बस पलट कर लिख दीजिए, या फिर ये कहिए कि इसका मल्टीप्लाई इधर इसका इधर ठीक है, तो 5 इक्वल टू x माइनस का y या 11 इक्वल टू x प्लस का y ठीक है, सही फॉर्म में लिख लीजिए, x माइनस y इक्वल टू हो गया आपका 5, इसी तरह से x प्लस y इक्वल टू हो गया आपका 11 ठीक है। इक्वेशन नंबर इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो यहाँ पर लिखिए ऑन सॉल्विंग इक्वेशन ए एंड बी ठीक है, समीकरण एक व दो को हल करने पर या ए और बी को हल करने पर हम क्या देखते हैं, हल करने का तरीका क्या है, यहाँ पर आपको कोफिशियंट देखने होते हैं ठीक है, तो कोफिशियंट मैं इसमें लगा रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड या फिर जिसको हम बोलते हैं रिमूवल मेथड ठीक है, टर्मिनेशन मेथड, इसको हम विलोपन विधि कहते हैं ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि अगर मैं दोनों को ऐड कर दूँ ठीक है, सबसे पहले इनके कोफिशियंट गुणांक चेक करूँगा तो वो इक्वल है, यहाँ पर इवन, यहाँ पर इवन, यहाँ पर इवन और यहाँ पर इवन ठीक है, सिंपल सी बात है, मैं इनको ऐड या माइनस करने वाला हूँ ठीक है। अब चेक करूँ कि सिंबल एक का माइनस में एक का प्लस में, तो सिंपली मैं क्या करूँ, दोनों को ऐड करूँ वाई ख़त्म हो जाएगा ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन टू या ए और बी ठीक है, तो x माइनस का y इक्वल टू 5 ए होगी आपकी, x प्लस y इक्वल टू 11 ये मैंने दोनों ऐड कर दिया, तो y से y ख़त्म, तो ये 2x हो गया आपका, ये आपका हो गया कितना 16, या फिर x की वैल्यू 16 अपॉन 2 इट मीन्स 8, तो x की वैल्यू मेरे पास में 8 आ गई ठीक है। अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसी मेथड से बिल्कुल x y की वैल्यू निकाल सकता हूँ, या फिर डायरेक्ट मैं x की वैल्यू इक्वेशन ए या बी में पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा, तो मैं पुट कर रहा हूँ, पुटिंग इन इक्वेशन ए ठीक है, ही सोल्व कर देता हूँ मैं इसको, तो x माइनस वाई इक्वल टू एफ ऑफ फाइव ये इक्वेशन है ठीक है, x की वैल्यू आपके पास में कितनी 8, माइनस का y इक्वल टू 5 या फिर माइनस का y इक्वल टू 5 ये इधर प्लस में 8 है, इधर आके माइनस का 8 या फिर माइनस का वाई इक्वल टू माइनस का 3 बचता है, क्योंकि जब आप माइनस करोगे माइनस वाला बड़ा है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो वाई की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई 3 ठीक है, तो एक्स की कितनी 8 और वाई की 3। अब आपने स्टार्टिंग में क्या लिया था कि जो एक्स है वो क्या है आपका, एक्स आपका नाव की स्थिर जल में चाल, तो एक्स किलोमीटर प्रति घंटा और वाई क्या है धारा की चाल, यानी कि वाई किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम क्या ले लेंगे लास्ट की लाइन में, नाव की यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, नाव की चाल कितनी होगी आपकी एक्स यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा ठीक है, और ये आपकी होगी धारा की चाल, धारा की जो पानी आपका चल रहा है वो कितना है 3 किलोमीटर प्रति घंटा ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वो वीडियो थोड़ा लेंथी था, क्योंकि कंसेप्टुअल इसके अंदर हमारे कुछ चीज़ें लगने वाली, दो दो हमारा मेथड यूज़ हुए इसके अंदर ठीक है, क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास में ये कंडीशन बनी वाले, उसके बाद हमने इसको यहाँ पर सिंपल फॉर्म किया, उसके बाद हमने इस वाली इक्वेशन को सोल्व करने के बाद ये इक्वेशन या रिलेशन निकाला पी और क्यू का ठीक है, वैल्यू निकाली।
अब हमने इसके वैल्यू को पुट अप किया अगेन, तो यहाँ पर भी दोबारा इक्वेशन बन चुकी थी हमारे पास और फिर हमने इसको सॉल्व किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इसको ज़रूर अच्छे से तैयार करें एग्जाम के लिए, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारी प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखें और हमारे चैनल स्पार्क अकेडमी मेरिट को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट।